आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने रिटायरमेंट की अवधि में 2 साल की है बढ़ोतरी, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध को बढ़ाया है आगे, अब सभाओं पर 500 की जगह 1000 लोग हो चुकेंगे शामिल, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में की है कटौती, आज से लागू होगी नई दरें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती यहां पर की है। जो नई दरें हैं वो 1 फरवरी से लागू होगी। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्याज की दरों में कटौती घोषणा की है, जो कि आज से ये यहां पर दरें लागू हो जाएगी। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के यहां पर और से यहां पर बताया गया है कि 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट पर पहले 2.75 की बजाय अब 2.5% यानी 2.5% ब्याज प्रतिवर्ष यहाँ पर दिया जाएगा। बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की यहाँ पर कटौती की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव में 11 फरवरी तक रैलियों पर रहेगा प्रतिबंध, सभाओं में शामिल हो सकेंगे 1000 लोग। चुनाव आयोग ने सोमवार को पार्टियों को रोड शो, पदयात्रा और वाहन रैलियों और जलूसों पर प्रतिबंध को 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया है। इसके साथ ही सभाओं के लिए 500 लोगों की मौजूदगी की सीमा को बढ़ाकर 1000 कर दिया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और इसके अलावा यहाँ पर अनुप चंद्र पांडे के साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की चुनावी राज्यों में वर्तमान कोविड 19 की स्थिति की एक व्यापक समीक्षा यहां पर की। वही बैठक के बाद चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि आयोग ने फैसला किया है कि 11 फरवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने इसके साथ ही यहां पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मौजूदा जो 500 लोगों के बजाय 1000 लोगों या फिर 1000 लोगों या फिर सभा स्थल को 50% क्षमता जो भी यहाँ पर कम हो उतने लोगों की मंजूरी इसमें दे दी है। वही आयोग ने डोर टू डोर अभियानों के लिए लोगों की सीमा यहाँ पर बढ़ा दी है। इसमें पहले 10 लोग थे, अब इसमें यहाँ पर 20 लोगों के आने की अनुमति दे दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे पहले से 12वीं तक के स्कूल, 50% क्षमता के साथ चलेगी क्लासेस। मध्य प्रदेश में आज यानी 1 फरवरी 2022 से स्कूल फिर से यहां पर खुलेंगे। वे कक्षा 1 से लगाकर 12वीं की जो सभी कक्षाएं हैं वो 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है। वे आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन में ही होगी। वह परीक्षाओं की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। वह कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी डेट भी यहां पर बढ़ाई जा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे या नहीं पर संशय यहां पर बरकरार था, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को खोलने के बारे में यहां पर ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया था। वहीं सरकार ने अब आज से यानी 1 फरवरी से यहां पर स्कूलों को पुनः खोलने का यहां पर फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों को खोलने के संबंधी चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श का निर्णय लिया है कि 1 फरवरी से स्कूल पुणे यहां पर खोले जाएंगे। कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होगी। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी यहां पर 50% उपस्थिति के साथ एमपी में खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने के निर्देश दिया है, जिससे यहाँ पर अल्टरनेट डे के हिसाब से यहाँ पर स्कूल संचालित होंगे। इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रहेगा। वह सरकार ने स्कूलों को खोलने के फैसले के बाद माना जा रहा है कि अब बोर्ड परीक्षाओं का जो समय है वो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं भी है वो समय पर संचालित यहाँ पर होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के कम होते मामलों के चलते सरकार ने यह फैसला यहाँ पर लिया है। इससे पहले 26 जनवरी 2022 को स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बैतूल में कहा था कि यहाँ पर बैतूल में कहा था कि स्कूलों को खोलने के बाद
यहाँ पर स्कूलों खोलने और बंद होने का फैसला प्रदेश के हालातों पर निर्भर यहाँ पर करता है। वह कोरोना की तीसरी लहर अब एमपी के अंदर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, इसके कारण सरकार ने यहाँ पर स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बढ़ती ब्याज दरों के चलते मिलेगा ज्यादा रिटर्न। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने आवर्ती जमा यानी आरडी अकाउंट पर ब्याज दरों में इजाफा यहां पर किया है। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी फायदे की बात है। बैंक ने आरडी इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.1% और सीनियर सिटीजन के लिए 50 आधार अंकों की अतिरिक्त ब्याज दर देने का फैसला यहाँ पर बैंक ने किया है। वही सेविंग करने वालों के लिए यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट काफी यहाँ पर बेहतर और फायदेमंद योजना साबित होती है। इस योजना में किस्तों की निवेश राशि पर एक निश्चित ब्याज मिलता है। इसका मतलब यह है कि आरडी का जब यहाँ पर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो मेच्योरिटी राशि मिलती है और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ही यहाँ पर एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राज्य में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की घोषणा, अध्यादेश हुआ है जारी। सरकारी कर्मचारियों को साल के पहले महीने में तोहफा यहाँ पर सरकार ने दिया है। दरअसल इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्त अवधि में बढ़ोतरी सरकार ने की है। वह सरकार ने इसे लेकर घोषणा की है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि को 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। पहले इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि 60 साल थी, इसे बढ़ाकर 2 साल यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी कर दी गई, अब इसको 62 यहाँ पर कर दिया गया। ये घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। वही न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2021 तक रिटायर हो चुके हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। वही जिनकी रिटायरमेंट आयु जनवरी में 60 साल पूरी होने वाली थी, अब वे 2 साल और नौकरी का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। वह आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो जनवरी में रिटायर होने वाले थे, वे अब 24 महीने तक सैलरी यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, फ्लाइट रीशेड्यूल करने पर नहीं लगेगा चेंज फीस। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर, दरअसल अब यात्रा के दौरान आपको बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। विस्तारा एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए खास सुविधा यहाँ पर शुरू की है। अब विस्तारा 31 मार्च तक फ्लाइट रीशेड्यूल करने में कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लेगी। एयरलाइंस कंपनी ने के अनुसार यहाँ पर COVID-19 के कारण यात्रियों को सफर में कई तरह की समस्याएं आ रही है। वह कई जगहों पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीखों में बदलाव करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ पर इस चेंज में फीस न लेने का यहाँ पर ऐलान किया है। वह एयरलाइंस कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो विस्तारा से डायरेक्ट बुकिंग यहाँ पर करेंगे। यानी ये खास सुविधा यहाँ पर मेक माई ट्रिप यात्रा और इसके अलावा यहाँ पर क्लियर टिप जैसी एजेंट वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ये यहाँ पर ये सुविधा है वो नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये सुविधा केवल एक ही बार मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में आज से शुरू होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट होंगे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो बोर्ड की परीक्षाएं है वो आज से यानी मंगलवार 1 फरवरी से शुरू हो रही है। ये परीक्षाएं 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगी। वही 10वीं की जो परीक्षा है वो 17 फरवरी से शुरू होगी जो 24 फरवरी तक यहाँ पर चलेगी। वही 12वीं की परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए यहाँ पर बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। वह समिति के मुताबिक 14 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों में 1471 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें यहाँ पर 6,57,000 छात्र जबकि 6,48,000 छात्राएं हैं। वही समिति के अध्यक्ष ने यहाँ पर बताया है कि परीक्षा को लेकर सभी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। वही स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा को आयोजन के लिए यहाँ पर समिति द्वारा राज्य के सभी जिला अधिकारियों और यहाँ पर SP को निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। वही परीक्षा शुरू होने से कम 10 मिनट पहले केंद्र में परीक्षार्थी को एंट्री यहाँ पर लेनी होगी, यानी परीक्षा केंद्र में एंट्री लेनी होगी। वही देरी से पहुंचे परीक्षार्थी को सेंटर में एंट्री की परमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। वही परीक्षार्थियों को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पढ़ने और दूसरे कामों के लिए बोर्ड अलग से 15 मिनट का समय देगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 2,09,000 से अधिक नए मामले, 956 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,09,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,61,000 से लोग ठीक भी हुए हैं, मतलब 2,61,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए, जबकि 956 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केसों की संख्या में करीब यहाँ पर 52,000 की कमी हुई है। देश में फिलहाल जो एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,25,000 के आसपास है। वही कुल एक्टिव केस यहाँ पर 18,25,000 है, तो कुल यहाँ पर केस भारत में 4,13
यहाँ पर लाख के आसपास हो चुके हैं। देश में जो पॉजिटिव रेट है फिलहाल यहाँ पर 15.77% पॉजिटिव है, जो भारत में है पॉजिटिव रेट यहाँ पर चल रहा है। वही देश में कोरोना केसों में गिरावट देखी जा रही है। वही टोटल रिकवरी भारत में 3,90,00,000 के आसपास हो चुकी है, तो कुल मौतें 4,55,000 के आसपास हो चुकी है। वही राज्यवार बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों की बात करें तो यहाँ पर केरल में सबसे ज्यादा 32,000 नए, यहाँ पर कोरोना के नए मामले 51,000 आए, 32,000 लोगों ने कोरोना को हराया। जबकि यहाँ पर 101 लोगों के पीछे 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 50,000 के सामने आए थे। नए केसों में बढ़ोतरी इस राज्य में जरूर हुई है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर फिलहाल 49.89% है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 28,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 29,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 68 लोगों की मौत इस राज्य में हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 33,000 नए केस आए थे। यहाँ पर मामलों में गिरावट का दौर जारी है। वही पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर फिलहाल 16.39% है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 22,444 नए मामले सामने, इस दौरान 50 लोगों की मौत हुई है और 39,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही इस राज्य में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 13.28% है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, 26,000 से अधिक लोग ठीक हुए, 38 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले 24,000 नए केस आए थे, 40 लोगों की मौत हुई थी। अब कुल यहाँ पर 33,00,000 से अधिक लोग यहाँ पर इस राज्य में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वही बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,310 नए मामले सामने आए हैं, 9,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 26.24% हो गई है। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि यहाँ पर 9,000 से अधिक ठीक हुए हैं, 21 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले भी 10,437 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 9,355 नए केस मिले हैं। वही 16,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत इस राज्य में भी हुई है। इसके अलावा एमपी में भी कोरोना के मामलों में मामूली सी गिरावट यहां पर देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में यहां पर एमपी के अंदर 9,305 नए संक्रमित सामने आए हैं, 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए, 9 लोगों की मौत इस राज्य में भी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 4,800 के आसपास नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं इन राज्यों में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर यहां पर जारी है। जम्मू कश्मीर में भी यहां पर 4,700 के आसपास नए केस आए हैं, वहीं 6,000 से अधिक ठीक हुए हैं, वहीं 5 लोगों की मौत इस राज्य में भी कोरोना के कारण हुई है।